जय साई राम। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि बैंगन की कचरी बनाने की विधि। बैंगन की कचरी साईं बाबा को अपने जीवन काल में बहुत पसंद थी, वह उसे खाना बहुत पसंद करते थे, उनका ये फेवरेट भोजन था। तो मैं आप सबको बताऊंगी कि बैंगन की कचरी किस तरह बनाई जाती है और उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो आइए चलते हैं और जानते हैं हमें क्या क्या चाहिए और इसको कैसे बनाते हैं। बैंगन की कचरी बनाने के लिए आपको चाहिए आमचूर पाउडर, थोड़ा सा नमक, लाल मिर्ची पाउडर, बेसन और एक बैंगन और रिफाइंड। अब इसको आप आगे और पीछे से काट लीजिए, इसको अलग कर दीजिए और बाकी आप ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा बराबर हिस्सों में गोल गोल काट लीजिए। काटने के बाद आप इसे एक बाउल में डाल लीजिए, इसमें स्वाद अनुसार आप मसाले डालिए। सबसे पहले बेसन, इतना बेसन डालिए ताकि इसकी अच्छी कोटिंग हो जाए। फिर आमचूर पाउडर लीजिए, उसमें एक चम्मच आमचूर पाउडर डालें। स्वाद अनुसार आप नमक डालिए। फिर आप डालिए लाल मिर्ची पाउडर, अगर आप कम खाते हैं तो कम डालिए, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डालिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि अच्छे से हर बैंगन के पीस पर अच्छे से बेसन की कोटिंग हो जाए, ताकि जब आप फ्राई करें तो ये बहुत अच्छा क्रिस्पी टेस्ट लेकर आए। देखिए, इसको अच्छे से मिला लीजिए, अगर चाहें तो ऊपर से थोड़ा बेसन और डाल लीजिए। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। कोटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह दिखने चाहिए। आप एक पैन में ऑयल ले लीजिए और उसको गर्म करने के लिए रख दीजिए। फिर धीरे धीरे एक एक करके आप इसमें बैंगन के पीस डालिए फ्राई करने के लिए। इसको फ्राई होने दीजिए धीमी आंच पर, लाइट ब्राउन होने तक इसको फ्राई कीजिए और फिर एक एक कर इसके साइड चेंज कीजिए। इसको धीमी आंच पर पकाइए। देखिए, ये अब तैयार हो गए हैं। इनका रंग ऐसा ब्राउन होना चाहिए ताकि आपको दूर से दिखे ये क्रिस्पी हैं। इनको एक एक कर निकाल लीजिए प्लेट में। तो आप सब ने देखा कि बैंगन की कचरी बनाना कितना आसान है। बहुत मामूली सी चीज़ें हमें चाहिए जो कि हमारी किचन में हमेशा हमारे पास होती हैं। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप भी साईं का नाम जपते हुए बैंगन की कचरी बनाएंगे, साईं बाबा को भोग लगाएंगे और अपनी इच्छा उनके आगे ज़रूर रखेंगे और वो इच्छा आपकी ज़रूर पूरी होगी। तो इसके साथ साथ मैं विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय साईं राम।